guys, welcome back to Rinki's Angel Again. We are doing weekly videos for the week starting from 12th to 18th of November. But before that, I'd like to wish each one of you a very, very happy Diwali. May this Diwali bring all love and luck to your life. Aapki jo bhi ichchaein hain, jo bhi manokamnaen hain, sari puri hon. May Goddess bless you with good health and wealth. May you always prosper. To each one of you watching this video, मैं आप लोगों को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं डेफिनेटली ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी लाइफ हमेशा, आपकी एनर्जीज हमेशा हमेशा अबंडेंस में भरी रहे. यस, नाउ लेट्स बिगिन विद एरीज. एरीज, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज. देखते हैं एरीज ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. एरीज जो पहला कार्ड आया है हमारे पास, वो ये बता रहा है कि कहीं ना घर में थोड़ा सा मुठभाव हो गया हुआ है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है. लोग आपके लिए ना इतना खुश नहीं है. आप जितना अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इतने खुश हो, इतने एक्साइटेड हो, इतने हाइपर हो, कहीं ना कहीं वो सेम वाइब्रेंट एनर्जी आपको नहीं मिल रही अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से. तो थोड़ा सा ना यूनिवर्स चाहते हैं कि ये हफ्ते पर्टिकुलरली आप एक लाइन ड्रॉ करें, कहाँ कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये चीज को ना थोड़ा समझे. कहीं ना कहीं आप ओवर गिव कर करके अब ना वो पॉइंट आ गया कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहा है. फॉरगेट गेटिंग बैक, राइट, ठीक है कि मैंने जो करा मेरे को कभी वापस मिले वो तो आप रह नहीं दो, बट सामने वाला आपकी बातें, आपको दिल से चाहता ही नहीं है, उस चीज को आपको अब समझना पड़ेगा. थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा सा बाउंड्री ड्रॉ करो, समझो कितना किधर देना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार 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 बता रहे हैं कि यार ये चीज आपके लिए सही नहीं है. तो आपका जो गट है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो वाइब्रेशन है ना एरीज, ये पर्टिकुलर हफ्ते बहुत अच्छी है. ये ऑफकोर्स दिवाली वीक भी है, साथ ही साथ यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ग्रो और प्रोस्पर भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई चीज में बरकत आ रही है, कोई चीज में अबंडेंस आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है. एरीज, तो कोई भी चीज में अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको लेट गो मत करो, उसको जाने मत दो. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ना बहुत अच्छे से ये चीज का फायदा उठाएं, ये चीज को बहुत अच्छे से परखें और उससे आगे ग्रो करें. एरीज, जो एंजल मैसेज आपके लिए आया है वो है सेल्फ रिलायंस. अब ये कार्ड आपको यही बता रहा है, कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें. जैसे आप खुद पर भरोसा या विश्वास रखोगे, ट्रस्ट मी, सारी चीजें आप ही के हित में, आप ही के फेवर में आएगी. सो एरीज, ऑल इन ऑल आपकी एनर्जीज यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए और अपने ऊपर एक पावर लाना चाहिए. अपनी एनर्जीज को ना लेट गो नहीं करना, अपने आप को भूल नहीं जाना ये चक्कर में. कहीं ना कहीं अपनी आवाज सुनो एंड ट्रस्ट मी, you will find the right path and opportunities at this point. So yeah, Aries, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. टॉरस, देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. टॉरस, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ना किसी के प्रभाव में आ चुके हो आप. मतलब ऐसा है कि मुझे करना बहुत कुछ है, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ बट हो नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है मन ही मन. बहुत, कैसे कहते हैं, इंसान ना अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा सा गिव अप अप्रोच आ रहा है, थोड़ा सा एटीट्यूड आपका चेंज हो रहा है. टॉरस, ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है. किसी की एनर्जीज में ना इतने दब मत जाओ, आपको अपनी एनर्जीज को खुलना है. आपका जो मन कर रहा है वो सुनो. देर इज गट, देर इज इंट्यूशन, देर इज वाइब्रेशन ट्राइंग टू टॉक टू यू, बट आपने अपने आपको ना विक्टिम बना लिया है कि हाँ शायद मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं की एनर्जीज आपने यूनिवर्स को लीव करी है. इस वजह से सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, इस वजह से एक आलस आ रहा है, इस वजह से एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. आपको ये भंडार से बाहर निकल के अपनी एनर्जीज को ओपन करना है. क्यों? क्योंकि बहुत न्यू आइडियाज है टॉरस, बहुत न्यू थॉट्स है, काफी नई चीजें हो सकती है आपके साथ ये हफ्ते, बट आप वो ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो. आप अपने, कैसे कहते हैं, रोना रोने में ही लगे हुए हो. ये आपका पीरियड बहुत अच्छा है टॉरस, आपको चार्ज लेना पड़ेगा सिचुएशन को, आपको उठना पड़ेगा. जो नई आइडियाज आ रही है उस पर
एक बेट लगानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पीरियड है ना वो बेट लगाने का है। यूनिवर्स को बोलो हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, चाहे जो आए मेरे आगे। एक वो पावर एंथुजियाज्म की जरूरत है और आपके अंदर वो चीज है। यू नो देर इज अ स्पार्क, देर इज एन एनर्जी जो काफी कुछ अच्छा कर सकती है। जो भी नेगेटिव है, जो भी बुरा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो अब खत्म होने का टाइम है, लेजिट खत्म होने का टाइम है। और एक नई शुरुआत दिख रही है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। और उसके साथ ही जो आपका एंजल मैसेज आया है टॉरस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, विच इज फाइनेंशियल फ्लो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में सुधार आ रहा है। ऑफकोर्स दीपावली वीक है, कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी आ रही है, अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। महालक्ष्मी की पूजा आप बहुत अच्छे से करें ये पर्टिकुलर हफ्ते, कहीं ना कहीं जितना हो सकता है उतनी अपनी एनर्जी लगाएं पूजा पाठ में। आपके जो फाइनेंसेस रुके हुए हैं ना वो अब खुल रहे हैं, वो अब ओपन हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप ही का पैसा आप यूज नहीं कर पा रहे थे तो वो एनर्जी अब बेटर हो रही है। तो आप इस हफ्ते थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेकर प्रार्थना पाठ पूजा में लगाएं ताकि आपके जो फाइनेंसेस है ना वो सही ढंग से आपके पास आ जाएं। सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड टॉरस। वी मूव टू जेमिनाई। I am pulling out two tarot cards and one angel message for you, Gemini. देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं। Gemini जो पहला कार्ड आया हुआ है आपके लिए वो ये बता रहा है अब चीजों ना आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अब चीजें ना आपको समझ आ रही है। अच्छा ये हुआ था तो इसलिए ये हुआ था, पहले ना बहुत like you know you were not able to join the dots, but Gemini आपका ये हफ्ता इतना अच्छा जाएगा कि आपको ना चीजों की गहराई समझ आएगी। There is something deeper to everything that you is happening to you or around you. मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना वो शक्ति मिली हुई है, आपको वो पावर मिला हुआ है, ये एक वरदान मिला हुआ है ये हफ्ते आपको ऊपर वाले से, जहां ना आप चीजें बहुत गहराई में समझ पा रहे हो। And it is helping you in a miraculous way. मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो आप पे मतलब blessing बोल लो या जो भी बोल दो, वरदान बोल दो, आपको ना वो चीज इस हफ्ते फलेगी और आप चीज अच्छा महसूस कर पाओगे। इतने लंबे समय से शायद जो चीज का वेट 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 कर रहे थे, बहुत इम्पेशेंट हो गए थे, बहुत अग्रेसिव हो गए थे, जेमिनी ये हफ्ते आपकी एनर्जीज काम डाउन हो रही है। आपको थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति, थोड़ा सा खुशी तो नहीं बोलूंगी बट हाँ खुशी के आसपास पहुंचने वाली एक फीलिंग बोलूंगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है, यू नो देयर आर, यू विल हैव द मोमेंट्स डेफिनेटली। ये पर्टिकुलर हफ्ते आपको आपके जॉयस मोमेंट्स जरूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना डीपर आपको समझ आ रही है उसको ना संभाल के रखो, उसको पकड़ के रखो और वही एनर्जी को कंटिन्यू करो। जैसे जेमिनी अपनी एनर्जी को कंटिन्यू करोगे ना, थोड़ा गहराई वाला रीडिंग आया आपका ये हफ्ते। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है देर इज समथिंग इंटेंस, देर इज समथिंग मोर टू वट एवर इज हैपनिंग ऑन द सर्फेस। मतलब हर चीज को आप ऊपरी नहीं देखो इस हफ्ते, हर चीज को एक थोड़ा सा रिसर्च करो, अंदर जाओ, उसके डिटेल में समझने की कोशिश करो। देर इज समथिंग दैट गॉड इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, देर इज समथिंग दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर वीक। उसके साथ आपका जो मैसेज आया हुआ है Gemini, this particular card is talking about new locations. कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड शिफ्ट होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी अच्छी होगी। हो सके तो ये हफ्ते एक छोटा सा ब्रेक ले लो, स्टेकेशन चले जाओ, वेकेशन ले लो, यू नो वट एवर दैट गिव्स ब्रीदर टू योर माइंड, यू नीड इट। लिटरली इसी चीज का मैसेज आया आपको एंजल से कि यू नीड टू टेक दैट ब्रीदर, यू नीड टू टेक दैट ब्रेक, एंड डू नॉट रेस्ट्रिक्ट एंड डू नॉट फोर्स योर सेल्फ इन टू समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ। सो या जेमिनी, आई रियली होप आप ये सारी चीजों पे काम करो ये हफ्ते और पर्टिकुलरली देखो कि आपको जो आने वाला वीक है ना कैसा डिफरेंट लगता है, यू नो बिकॉज देयर इज समथिंग मोर टू वट एवर इज हैपनिंग। आई मीन आई रियली वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो वॉट यू फील दिस पर्टिकुलर वीक अबाउट द रीडिंग बिकॉज देयर इज समथिंग इंटेंस। या दैट इज अबाउट इट फॉर यू गाइज। आई रियली होप इट हेल्प, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। वी मूव टू कैंसर। कैंसर पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज।
कैंसर देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर इतना ज्यादा कंफ्यूजन किस बात का, मुझे ऐसे लग रहा है आपको चीजें तो करनी है, आपको पता है और आपका जो विजन है इतना ऑन पॉइंट है, इतनी क्लैरिटी है, लोगों के बहकावे में क्यों आ रहे हो आप जब आपको शुरू से ही पता है कि यही चीज और यही तरीके से करनी है, तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहे हो आप, लोगों के बहकावे में आके अपना रास्ता क्यों चेंज कर रहे हो। कम बैक टू इट कैंसर, ये पर्टिकुलर हफ्ते वापस अपने आपको रिमाइंड कराओ आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप कोई चीज किस वजह से कर रहे हो, वो सारी एनर्जीज को ना हमें बहुत ज्यादा खोलना है। जितना ज्यादा आप कैंसर पर्टिकुलरली ये हफ्ते अपनी एनर्जीज को ओपन करोगे, अपनी एनर्जीज को खोलोगे, आई फील देर इज अ चेंज, देर इज अ पॉजिटिविटी, देर इज अ होप, क्योंकि कहीं ना कहीं यार आप दूसरों की राह सुन के अपना रास्ता चेंज कर रहे हो ना, वहां पर कैंसर काफी सारी गलतियां हो रही है और उस चक्कर में काफी काफी ज्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज आ रही है कि यार मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैंने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ऑल ऑफ दैट एनर्जीज इज बंडलिंग अप राइट नाउ। सो जितना हो सके उतना ज्यादा कैंसर अपनी एनर्जीज को बंडल अप नहीं होने देना है, आपकी अम्बिशन आपकी स्पार्क बहुत ज्यादा है, लोगों से थोड़ा सा शांति से बैठ के ये हफ्ते एटलीस्ट अपने लोगों से बात करो, सुनो सबकी पर करो अपनी। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना आप उलझनों में उलझ गए हो और अपने आप से तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट दूसरों की ओपिनियंस ले लेके और ज्यादा बोझ अपने ऊपर ले रहे हो। तो कैंसर दिस वीक इज ऑल अबाउट टेकिंग थिंग्स लाइट, इतना ज्यादा वनरेबल, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कोई चीज का, जितना हो सके मेजर डिसीजंस तो पुश कर दो ये हफ्ते, लो ही मत आप, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके चॉइसेस और आपके डिसीजंस नहीं है, आप दूसरों के इसमें आ रहे हो। उसके बाद लाइक आई सेड अगेन, लेट गो, दिस इज अ टाइम, दिस इज अ मैसेज वेयर एंजल्स आर टेलिंग यू लेटिंग गो। इतना ज्यादा चीजें पकड़ के नहीं बैठनी है, इतना ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट को पिक्चर में नहीं आने देना है, जो हो गया कैंसर, आई फील इट्स टाइम टू मूव ऑन। इतना हैवीनेस लेके जो आप चल रहे हो ना छाती पे, एक तरीका का बोझ लेके चल रहे हो, यू नीड टू लीव इट, रिलीज इट एंड स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसे बोलना आसान है कि हाँ निकाल दो और चल लो, बट आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, आपको अपना मन थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, चैंट करो इस हफ्ते जितना हो सकता है, जितना ज्यादा चैंट करोगे आपका मन उतना ज्यादा थोड़ा सा हल्का फील होगा। That is all that we have for you, Cancer. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Happy, happy Diwali once again to you guys. Now let's move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out करी हूँ। Leo, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं। I feel Leo जो card आपके लिए आया हुआ है ना, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं emotions को भूल कर या emotions में इतना ज्यादा बहकर अपने आप को stop नहीं करना है। आपने ना literally अपने आप आगे एक लगाम लगा दी है कि भाई अब मैं ये नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है, अब मैं ये नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि उसने मुझे मना किया है। आपने दूसरों का सुन के ना, मुझे ऐसे लग रहा है अपनी एनर्जीज को स्टॉप करा है। आई फील वन एडवाइस दैट यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीक्स वीडियो इज जस्ट कीप डूइंग थिंग्स दैट इज मेकिंग सेंस टू यू। मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ता आपका एक्शन लेने का, ये हफ्ता आपका ग्रो करने का, ये हफ्ता आपका आगे बढ़ने का है। आप इतना अपने आप को स्टॉप करके बैठे हो ना, उस चक्कर में चीजें हो ही नहीं पा रही, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। दिस इज अ टाइम वे यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू फोकस, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू ग्रो, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू स्टार्ट डूइंग बेटर थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज ऐसे लग रहा है यार सबको खुश करते करते आप खुद को ही भूल गए हो। यू नो दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, आई फील एट दिस पॉइंट, एंड इट इज लाइक अ रिमाइंडर कि अपनी एनर्जीज वापस लाओ, आई फील थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लाओ। कहीं ना मतलब थोड़ा सा वर्क में भी टीम 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 के चक्कर में ना आप गुम हो जा रहे हो, आपको अपने आप को भी स्टैंड आउट करने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप अपने आप को स्टैंड आउट करने की कोशिश करोगे, यू नो अपने सीनियर्स के आगे एक पिक्चर पुट अक्रॉस करोगे कि दिस वॉज वॉट आई पुट अक्रॉस, तो वो एक थोड़ी सी क्लैरिटी लाएगा उनके अंदर भी आपके टूवर्ड्स, और आपको जो दर्जा जो ओहदा मिलना चाहिए ना वो भी मिल जाएगा पर्टिकुलरली ये हफ्ते। उसके बाद जो एनर्जीज है एंजल मैसेज की पर्टिकुलरली, वो आपको बोल रहे लेट गो, रिलीज एवरीथिंग दैट यू होल्डिंग बैक एट दिस पॉइंट, लेट गो करो, थोड़ा सा अपना मन हल्का करो, पास्ट का बैगेज लेके अब तक चल रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, एंड इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट, नॉट सर्विंग एनी पर्पज। इतना मन भर के आगे आगे नहीं चल पाओगे, कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि आप लिटरली ऐसे पत्थर रख के चल रहे हो, एंड इट इज नॉट राइट फॉर यू, योर एनर्जीज, यू नीड टू स्टार्ट
feeling more light and happy towards whatever you do. So yeah, Leo, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. And once again, happy, happy Diwali, you guys. We move to Libra. Libra, I am pulling out two cards for you and one angel message. Libra, dekhte hain is hafte. Tarot, angels, universe, aapko kya batana chahte? Libra, beautiful, beautiful cards we have for you guys. Libra, ye jo do card aaya na, ye bol rahe hain ki आपको हर चीज बैलेंस करनी चाहिए ये हफ्ते पर्टिकुलरली. आप बहुत ज्यादा ऐसे कोई फ्लो में आ जाते हो ना तो दूसरी चीजों को इग्नोर करने लग जाते हो. मे बी एट दिस पॉइंट यू आर सो इनटू फैमिली एंड यू आर सो इनटू पीपल कि आप अपने काम को थोड़ा सा साइडलाइन करो. डू नॉट डू दैट लीब्रा. ये जो टाइम है आपका हर चीज को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है, हर चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है. मुझे ऐसा लग रहा है जितना आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, आपके काम को भी आपकी जरूरत है. सो समवेयर इट इज अ ग्रोइंग पीरियड फॉर यू. आपका जो टाइम है ना लीब्रा, बहुत अच्छा चल रहा है ये हफ्ते में. मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एक बड़ी सी खुशखबरी आपके पास आ सकती है, कोई ना कोई एक बड़ी एनर्जी आपके पास आ सकती है. जितना ज्यादा आप ऊपर वाले से कम्युनिकेट करोगे, जितना ज्यादा भगवान से बात करोगे ये हफ्ते लीब्रा, आई फील आप वो एनर्जी तक बहुत अच्छे से पहुंच जाओगे. आपकी जो वाइब्रेशंस है इस हफ्ते बहुत ओपन लग रही है, यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. हाँ, आप जैसे बड़ी बड़ी एनर्जीज और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड देयर इज नो स्टॉपिंग कि आप ये मत करो, ऐसे मत करो. आप सही जा रहे हो, बट ऊपर वाले से कनेक्ट करो, चीजें सही ढंग से बैलेंस करो एंड ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू लीब्रा. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज है वो है इनर चाइल्ड. छोटी छोटी चीजों में थोड़ा खुशियां भी ढूंढना स्टार्ट करो, अपना मन हल्का करो. वेर एवर यू आर फीलिंग हैवी, वेर एवर यू आर फीलिंग बर्डन, मे बी टॉक टू द पीपल दैट यू लव एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑल द मोर लाइट. अपने इनर चाइल्ड को ना मारो मत. आपकी भी जो खुशियां ना उसको बस दूसरों की खुशियां ना फुलफिल करते रहो, अपनी भी खुशियां फुलफिल करो. ऐसा मैसेज आपके लिए आया हुआ है पर्टिकुलरली ये हफ्ते का. दैट्स ऑल फॉर यू गाइज. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. लीब्रा, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड हैप्पी हैप्पी दिवाली यू गाइज. We move to Virgo. Virgo, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Virgo, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बताना चाहते हैं. Let's see how this week looks like. Wow, amazing week for you guys, Virgo. Virgo, बहुत अच्छे cards आए हुए हैं. It is all talking about love, laughter, joy, happiness. मुझे ऐसे लग रहा है relationship wise particularly ना वर्गो आपका बहुत अच्छा हफ्ता हो सकता है. आपको आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आपको आपके पार्टनर बहुत सपोर्ट कर सकते हैं. कोई चीज में अगर आप अटके हुए हो ये हफ्ते, थोड़ा सा बात कर लो. कम्युनिकेशन इज द की वर्गो. अगर ये हफ्ते आप कम्युनिकेट करने में चूक रहे हो ना तो ये आपके रिलेशनशिप में भी टॉस लाएगा. सो समवेयर ट्राई एंड मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा अपने पार्टनर से बात करो, उतना ज्यादा अपना मन हल्का करो, उतनी ज्यादा अपनी एनर्जीज बेटर चैनलाइज करो. आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग है. एज कपल आप बहुत आगे बढ़ोगे, फूलोगे, ग्रो करोगे. जो भी पास्ट के रिलेशनशिप इश्यूज थे, मुझे ऐसे लग रहा है वो खत्म हो रहे हैं. अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हो, आप बेबी प्लान कर रहे हो, आई फील ये बहुत अच्छा समय है, आपको वो कंसिडर करना चाहिए. आपकी एनर्जीज ओपन है टू रिसीविंग एंड ऑल थिंग्स ट्रस्ट मी लुक वेरी नाइस एट दिस पॉइंट एंड इट्स एवरीथिंग टू डू विद लव, रिलेशनशिप, फैमिली पर्टिकुलरली. उसके बाद वर्गो ये जो कार्ड आया हुआ है वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस. यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी करो आप ये हफ्ते, वर्क वाइज भी या अपने सेल्फ वाइज भी, थोड़ा सा ना चीजों को पॉजिटिव एक्सपेक्ट करो. जितना आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करोगे या पॉजिटिवली अफर्म करोगे, वो चीजें आपकी रियलिटी बन जाएंगी और वही चीजें आपके साथ पॉजिटिवली होंगी. सो आपका जो माइंडसेट है ना उसको भी थोड़ा सा हमको शेप करना जरूरी है ये हफ्ते, ताकि चीजें सही ढंग से हों आपके साथ. सो या वर्गो, दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Scorpio, dekhte hain is hafte tarot, angels, universe aapko kya batana chahte hain. Scorpio looks like a good week, matlab
दिवाली का टाइम है और पैसा आया हुआ है आपकी एनर्जीज में, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है. सो स्कॉर्पियो आई फील कहीं ना कहीं पैसे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ए जैसे आप अपना पैसा समझें, उसे सही जगह पर लगाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. कहीं ना कहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो ना, ये हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत ओपन है, तो उसको आपको अच्छी डील मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे. प्रॉपर्टी का जो भी कैसे कहते हैं यू नो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें ना, वो आपका ये हफ्ते बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड आई फील थोड़ा सा आपके पास अबंडेंस भी आ रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ भी आ रहा है. पैसे को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बट ये है कि किसी भी ना आंख में पट्टी बांधकर किसी को भी पैसा ना दे. थोड़ा सा रिजिलेंट रहिए कि यार मेरे को कहाँ का डालना है, क्या करना है. आप हर चीज को ना थोड़ा सा R&D करके, थोड़ा सा रिसर्च करके फिर ही कोई चीज में हाथ डालें. मुझे ऐसा लग रहा है कई बारी क्या हो जा रहा है, सब सही चल रहा है और इसमें एक चंक आ जाता है, आप किसी को दे देते हो, वो कभी वापस नहीं आता. तो आपके जो भी अटके हुए पैसे ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी आप निकाल सकते हो ये हफ्ते. आपकी पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, कहीं ना कहीं किसी की हेल्प के थ्रू भी आप ग्रो कर सकते हो. बट आपको बहुत समझदारी से पैसा देना होगा, तो देने के टाइम आपको बहुत ज्यादा समझदारी और दिमाग लगाना होगा, ठीक है. उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. एंजल्स, यूनिवर्स, गॉडेस आपको बता रही हैं कि थोड़ा सा अपने सर्कल से या अपने शेल से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से ही आपको शायद कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए, कहीं ना कहीं कुछ न्यू आइडिया आ जाए, जिससे आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ या अबंडेंस जिसे हम कहते हैं ना, वो और ग्रो करे. सो या स्कॉर्पियो, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू फॉर द वीक. आई रियली होप ये रीडिंग्स आपको गाइड करें, मदद करें एंड मोटिवेट करें. एंड या दैट्स अबाउट इट. बट बिफोर वी गो, हैप्पी हैप्पी दिवाली वंस अगेन यू गाइस, हैव अ ग्रेट ग्रेट दिवाली. वी मूव टू सैजिटेरियस. सैजिटेरियस, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज. साजी, देखते हैं ये हफ्ते क्या यूनिवर्स आपको बता रहा है. अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो ये बहुत ही रिसेंटली कार्ड इंस्टाग्राम पे भी आया हुआ था, जो है ट्रांजिशन का टाइम. सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज अगर खत्म हो रही है, कोई चीज आपके हाथ से निकल रही है, तो उसे निकलने दो. यू नो, इतना ज्यादा डेस्परेशन में आके उसे पकड़ने की या कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस. ए बी, वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं. चाहे आप जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सर्टन थिंग्स आर वेरी यूनिवर्सल एंड यू नो इट इज इन गॉड्स हैंड कि आपसे नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जा रहा है जान के या व्हाटएवर, एंड चूजिंग टू वॉक आउट ऑफ योर लाइफ, यू नो समटाइम्स यू रियली कैन नॉट होल्ड दैट रिलेशनशिप. ऑफकोर्स द फीलिंग इज वेरी हैवी. ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगी कि हाँ चलो जाने दो, आप जाने दोगे नहीं. द फीलिंग इज वेरी मैसिवली नेगेटिव एंड हैवी, बट यू विल फील दिस. थोड़ा सा फील कर लो, बट उसके बाद चीजें ना अपनी लाइफ पे, अपनी ट्रैक पे लाना शुरू करो. वाई? बिकॉज दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर कि जो चीज खत्म हो रही है ना, कुछ नई चीज की शुरुआत भी हो रही है. कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आपको दिख रही है, एक उम्मीद की किरण आपको दिख रही है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चलते जाना है, अपनी लाइफ स्टॉप नहीं करनी है. दिस इज वन स्टेटमेंट दैट यू वॉन्ट टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, इज कीप डूइंग वॉट यूर डूइंग, कीप गोइंग वेर एवर यू आर, जस्ट कीप गोइंग. यू नो ये चीज लेके जैसे आप करोगे, एंजल्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि यू नो it will bring a lot of laughter, a lot of joy and a lot of happiness in your life in the long run. तो आपको कोई भी चीज से डर कर, घबरा कर, सहम कर पीछे नहीं हटना है. You know, this is a time where universe wants you to make sure you're okay and you're doing fine and you're sailing the boat. That is literally all that universe wants you to focus on. So yeah, Saji, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead and also a very, very happy Diwali once again, you guys. Have a great Diwali. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं. Capricorn, बहुत ज्यादा डर है. मतलब मैं करूं नहीं करूं, अगर कर लिया तो क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस है आपके दिमाग में. कैप्रिकॉर्न, इतने सारे क्वेश्चंस को रिलीज कर दो, लेट गो कर दो. जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा फियर आप बिल्ड करोगे. तो मैं चाहती हूँ कि ये कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा उम्मीद की किरण को पकड़ो, थोड़ा सा भगवान को, यूनिवर्स को ट्रस्ट करने की कोशिश करो. आई नो इट इज डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट, बट समवेयर यू नो कैप्रिकॉर्न आपको वो करना पड़ेगा. ऑफकोर्स थोड़े से चेंजेस लाओ,
आपका जो भी पैटर्न है ना, आप जैसे चीजें कर रहे हो थोड़े से चेंजेस लाओ, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, यार मैंने ये किया तो मुझे क्या मिला। अपने ऊपर रिफ्लेक्शन का टाइम है, अपने ऊपर समझने का टाइम है। जितना ज्यादा आप अपने आप को समझोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे, ट्रस्ट मी कैप्रिकॉर्न, आपकी चीजें बहुत ज्यादा सुधरेंगी। मुझे ऐसे लग रहा है आप ना अटक गए हो। हाँ, एक तो डर ने अटकाया हुआ है, दूसरा बस जो चल रहा है वही चल रहा है। सो थोड़ा सा अभी ग्रोथ का पीरियड है, आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ना है। जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे ना कैप्रिकॉर्न अपने ऊपर, तब तक आपका कुछ मतलब खास नहीं होगा, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तब तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा। एंजल मैसेज कैप्रिकॉर्न इज पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। यूनिवर्स वॉन्ट यू टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड योर किड्स एट द सेम टाइम। कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़े रहिए, अपने रूट्स के साथ थोड़े से जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो एक हीलिंग के तरीके से आएगा। जो भी परेशानियां दिमाग में चल रही है, जो भी कठिनाइयां दिमाग में चल रही है, जस्ट मे बी सिटिंग विथ योर किड फॉर हाफ एन आवर विल रियली हेल्प यू हील लाइक अ मैजिक, एंड दिस इज द मैजिक दैट यू नीड एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। सो या Capricorn, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Aquarius. Aquarius, we are pulling out two tarot cards and one angel message for you. Let's see Aquarius, is hafte universe angels kya bata rahe hain? Aquarius, बहुत अच्छा पीरियड आया हुआ है आपके लिए। ये हफ्ते तो आपकी एनर्जीज इतनी ओपन लग रही है, इतनी वाइब्रेंट लग रही है, ऐसे लग रहा है इमोशनली आप ठीक हो रहे हो, फिनेंशियली आप ठीक हो रहे हो, चीजें ग्रो हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कहीं ना कहीं जो भी पास्ट बैगेजेस थे ना, आपने अब चूज किया है, आपने अब ठाना है कि अब ना मैं इस पे बैठ के नहीं रोऊंगी, अब मैं आगे का सोचूंगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या यू नो, ऑल ऑफ दैट इज रियली हेल्पिंग यू एंड आई फील दिस इज योर हीलिंग पीरियड। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर वो पावर, वो कॉन्फिडेंस लाओगे, उतना ज्यादा आपके अंदर ना एक मैजिक आएगा, बिकॉज यू आर केपेबल। हैड इट बिन लाइक कि यार आपके बस की नहीं है, मैं वो भी बोल देती, बट यू नो यूनिवर्स इज सेइंग यू आर सो केपेबल, आपको इतना पावर है, इतनी अथॉरिटी है, तो उसको राइट ढंग में यूज कीजिए। इमोशनली अपने आप को हील कीजिए, फाइनेंशियली तो चीजें अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कंफर्टेबल भी हो रहे हो, चीजों में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पर्टिकुलरली दिवाली वीक है तो शायद आप सोना ले रहे हो या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम। मतलब चीजें सुधर रही है तो आप उसका जो इम्पैक्ट है ना, आप उसको अच्छे से ले लो अपने ऊपर। उसके बाद एंजल मैसेज जो आया एक्वेरियस आपके लिए वो ये है कि फीलिंग सेफ। जो भी इतने टाइम तक ना एक घबराहट थी, एक इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जी थी, वो जा रही है, एंड यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू विद सेफ्टी, सो यू आर गोइंग टू फील मोर सेफ एंड सिक्योर दिस पर्टिकुलर वीक। सो या That is what we have for you guys. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Let's see how this week particularly looks like for you guys. I feel थोड़ा सा ना आप Pisces किसी पे depend हो रहे हो, A कि यार वो उसने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ उसलिए, सो समवेयर यू आर फाइंडिंग रीजंस। ये रीजंस को हटाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चार्ज खुद लो। मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाला तो आपको बार 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 अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, बस अब वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से ग्रैब करते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही, काफी अच्छा पैसा आ रहा है, बट आप उसमें ना थोड़ा सा लो हो गए हो, थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हो। What you need to do, Pisces, you need to start counting your blessings. You need to start counting your gratitudes. ये particular हफ्ते at least 3-4 दिन बैठकर अपने gratitudes count करो, अपना energy को thank करो, universe को thank करो। कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा सुधरी है, बहुत ज्यादा better हुई है। Looking back to your past and looking back to your present, there is a massive difference. And all you need to do is be more grateful for it, be more happy and be more thankful to the universe. जैसे आप ये करोगे ना, आपकी अबंडेंस एनर्जीज भी बहुत अच्छे से ओपन होगी, एंड आई फील देयर इज सो मच मोर दैट यू विल बी एबल टू कैप्चर एंड यू विल बी एबल टू डू, सो व्हाई वेस्ट टाइम। एंजल मैसेजेस इनर चाइल्ड पाइसिस, ये जो कार्ड आया है, थोड़ा सा अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, हर बारी दूसरों के चक्कर में अटक रहे हो। दिस इज अ कॉलिंग, दिस इज अ टाइम वेयर यूनिवर्स वांट्स यू टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन सेल्फ एंड फाइंड दोज लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। Yeah, Pisces, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.